हेलो स्टूडेंट, आई एम प्रशांत कुमार। टुडे वी डिस्कस फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब हम लोग को चैप्टर पढ़ना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले हम लोग पॉलीनोमियल के बारे में देखते पढ़े हैं। पॉलीनोमियल चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में क्या पढ़े हैं? तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल व्हिच डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का डेफिनेशन होता है अ पॉलीनोमियल डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जो है उसी में अगर हमको इक्वेशन बनाना है किसी पॉलीनोमियल को, तो इक्वल टू में 0 डाल देंगे तो वह पॉलीनोमियल क्या बन जाएगा? एक इक्वेशन बन जाएगा। यानी कि जो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल पढ़े थे वही मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है, एकदम इजी वे में आप समझ लीजिएगा, कोई हार्ड नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बोर्ड पे देखिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल तो देख लीजिए, जब पॉलीनोमियल व्हिच डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, यानी कि वैसा पॉलीनोमियल या वैसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका डिग्री 2 हो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बोलते हैं। वैसा ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिर्फ इसमें इक्वेशन हमको बनाना है। तो इक्वेशन में हम अभी आप लोग को बताए हैं कि कोई भी पॉलीनोमियल को, वह लीनियर पॉलीनोमियल हो या क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, कोई हो पॉलीनोमियल, उसको इक्वेशन बनाना है। तो थोड़ा समझ लीजिए, जैसे मान लेते हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही हम लोग पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का फॉर्म। तो क्वाड्रेटिक जैसे मान लेते हैं 2x स्क्वायर है प्लस 6x है प्लस 9 है, यह मेरा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल था जिसका मैक्सिमम जो डिग्री होगा वह 2 हो, मैक्सिमम डिग्री 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। तो इसे ही हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर पॉलीनोमियल में हम इक्वल टू में 0 लिख दे तो मेरा क्या बन गया? इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इक्वेशन के रूप फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए यह आपका इक्वेशन है, उसी को हम लोग थोड़ा ऊपर देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन क्या लिखा है? अ पॉलीनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पॉलीनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पॉलीनोमियल को हम इक्वेशन बना दिए हैं, अब पॉलीनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन दे दिया, अभी बात समझाए आपको। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में अगर 0 लगा दे तो इक्वेशन बन जाता है, और इसका डिग्री अगर 2 हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब थोड़ा देखिए जनरल फॉर्म ऑफ, जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म एक ही होता है, उसको आप जनरल फॉर्म बोलिए या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलिए, दोनों एक ही चीज है। जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों एक ही चीज है। इसका देखिए जो क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होते हैं उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं या जनरल फॉर्म क्या होते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 या आपका स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर एंड ए डज नॉट इज इक्वल टू 0। थोड़ा देख लीजिए, इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर एंड ए डज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि जो जनरल फॉर्म होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वह किस फॉर्म में होते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होते हैं, जहां ए बी सी आर रियल नंबर बट ए डज नॉट इज इक्वल टू 0 एंड ए डज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि ए कभी 0 नहीं है। अगर ए 0 हो जाता है, जैसे में आप थोड़ा देखिएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इसमें अगर हम या किस फॉर्म में है तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का फॉर्म में, यही ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म यही ना है, जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक जगह पर क्या है 2, अगर मेरा 2 एक्स का जो कोफिशियंट है, एक्स का कोफिशियंट अगर 2 हो 0 हो जाए, जैसे मान लेते हैं 0 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, तो देखिए 0 से अगर इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा टर्म में 0 हो गया प्लस 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, यह मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है?
तो इसमें क्योंकि इसका जो जो पॉलिनोमियल है जीरो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो, इसमें जो एक्स का पावर एक्स का जो मैक्सिमम पावर है डिग्री है या इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वह जीरो नहीं जो सॉरी वह टू नहीं है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा या तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तो देखिए ये आपको समझाए हम नोट कर सकते थे आप, अब देखिए नोट कर लीजिए ये एग्जांपल क्या होगा। फॉर्म तो आप लोग देख चुके हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसका एग्जांपल अपने से लिख लीजिए टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो। एक और एग्जांपल ले लीजिए, मान लेते हैं माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस नाइन, यह भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है क्योंकि इसका डिग्री इज इक्वल टू जीरो, इसका डिग्री जो होगा मैक्सिमम डिग्री या डिग्री ऑफ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका मैक्सिमम डिग्री क्या है टू है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इसे मान लेते वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, यह भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव यह भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बल्कि हम देख क्या रहे हैं यह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में नहीं, फिर भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। वन माइनस एक्स स्क्वायर यह भी नहीं है इस फॉर्म में, फिर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके बारे में इसके इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद वाला टॉपिक पढ़ेंगे जो क्या होता है कैसे यह थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो कैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको आप लोग नोट कीजिए। एग्जांपल में अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, जैसे नाइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो यह भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो कैसे है इसको एग्जांपल में आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। इस टॉपिक को आप लोग बढ़िया से समझिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम अभी आपको कोई एग्जांपल बहुत सारा दिए थे, जिसमें बहुत सारे जो एग्जांपल थे वह इस फॉर्म में नहीं था, जनरल फॉर्म में नहीं था, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, फिर भी हम कह दिए क्या जो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे है, इसलिए आप लोग को एक नेक्स्ट टॉपिक बना दिए हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें फर्स्ट टाइप है बी इज इक्वल टू जीरो सी डज नॉट इज इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू जीरो सी डज नॉट इज इक्वल टू जीरो, अगर बी जीरो हो और सी जीरो नहीं हो दैट इज द टाइप ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसे मान लेते हैं थोड़ा सा देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, अभी हम समझाएंगे कि आप लोगों को एक्स स्क्वायर और बी अगर जीरो लिख देते हैं तो जीरो इंटू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो यह हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस जीरो प्लस सी इज इक्वल टू जीरो तो एक्स स्क्वायर प्लस सी आएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखे हैं जब बी इज इक्वल टू जब जीरो होगा तो बी वाला पूरा टर्म में जीरो तो एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए जैसे थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो है कि नहीं, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरी चीज बी डज नॉट इज इक्वल टू जीरो सी इज इक्वल टू जीरो, बी जीरो नहीं हो बट सी जीरो हो तब वहां इक्वेशन क्या बनता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि सी मेरा जीरो है तो वहां पर सी वाला टर्म खत्म, जो जीरो होगा उस वह टर्म में खत्म हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इसके लिए एग्जाम्पल एक देख लीजिए, ऐसे मान लेते हैं थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स इज इक्वल टू जीरो है कि नहीं, मान लेते हैं टू एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस कुछ भी लिख सकते हैं माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, थ्री इज इक्वल टू जीरो, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स सॉरी थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो, यह भी आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स इज इक्वल टू जीरो यह भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट
वहां तो पूछा है चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चेक वेदर द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चेक वेदर द फॉलोइंग ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे उसको आपको देखकर बता देना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो पावर तो टू हमेशा रहे, बल्कि अगर इस फॉर्म में होता है तो बच्चे लोग कह देते हैं यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बल्कि यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए आपको टाइप्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता चुके हैं। अब देखिए थर्ड है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, अगर मान लेते हैं नाइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू भी अगर जीरो फिर भी यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है बी और सी दोनों जीरो है तो एक्स स्क्वायर बनेगा, क्योंकि बी वाला भी टर्म खत्म हो जाएगा और सी वाला भी बी और सी दोनों टर्म खत्म हो जाएंगे क्योंकि बी और सी दोनों जीरो है, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो भी हो फिर भी वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। जैसे मैं आप और एग्जाम्पल ले सकते हैं माइनस सेवन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, यह भी क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड है b does not is equal to 0, c does not is equal to 0, that is the type of ex square plus bx plus c is equal to 0, इसके बारे में तो आप लोग जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़े हैं, इसका एग्जांपल तो आप लोग इजी वे में समझ सकते हैं 3x square plus 5x plus 6 is equal to 0। देखिए बीच में प्लस माइनस कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, प्लस माइनस अगर होगा मान लेते प्लस के अलावा माइनस होगा तो वहां जो ए बी सी का वैल्यू होगा वह चेंज हो जाएगा, इसमें तो ए बी सी का वैल्यू तीनों पॉजिटिव होंगे, बल्कि अगर माइनस लग जाता है बी वाले टर्म से पहले तो वहां बी का वैल्यू आपका निगेटिव हो जाएगा, जो आप लोग पॉलिनोमियल में ही पढ़ चुके हैं। जैसे पॉलिनोमियल में हम आप लोग पढ़ाए थे जो कोई एक्स कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मान लेते हैं टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स, इसमें पूछता था ए इज इक्वल टू कितना होगा था टू, बी इज इक्वल टू कितना है तो माइनस फाइव, सी इज इक्वल टू कितना है तो माइनस सिक्स, या आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम पढ़ चुके हैं वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं है सीधे इक्वल में जीरो लग गया तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसको आप लोग देख लिए, आप लोग इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, पहले आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मेरा रूट्स या जीरो एंड पोल। देखिए रूट्स जीरो और पोल तीनों एक ही चीज है, बुक में आपको पोल जल्दी नहीं मिलेगा, रूट्स मिलेगा और जीरो मिलेगा, रूट्स तो एआरएस सवाल देखिए एनसीईआरटी देखिए रूट्स एंड जीरो आगे शर्मा देखिए मिल जाएगा, बल्कि पोल आपको नहीं मिलेगा, रूट्स का ही नाम है पोल और जीरो नहीं, तीनों एक ही चीज है। तो देखिए रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो एक्स इज इक्वल टू अल्फा, इसका नाम है क्या अल्फा, नहीं जानते हैं तो कोई जो पॉलिनोमियल में तो आप लोग जानते हैं तो पॉलिनोमियल में इसको अल्फा बोला जाता था अल्फा, एक्स इज इक्वल टू अल्फा इज सेड टू बी रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो सच दैट ए डज नॉट इज इक्वल टू जीरो। आप जानते हैं जो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होते हैं उसमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म, उसमें ए जीरो कभी नहीं होता है, इसलिए सच दैट ए डज नॉट इज इक्वल टू जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यदि एक्स इज इक्वल टू अल्फा क्या है अल्फा अल्फा है क्या रूट्स है, अल्फा जो एक्स इज इक्वल टू अल्फा जो लिखे हैं रूट्स है, अगर वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मगर अदर वर्ड्स में लिख दिए हैं दैट इज इन अदर वर्ड्स द वैल्यू ऑफ ए अल्फा स्क्वायर, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू अल्फा है तो ए एक्स के जगह पे अल्फा पुट कर दिया तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो वही लिखे हैं कि इन अदर वर्ड द वैल्यू ऑफ ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज जीरो, यदि एक्स इज इक्वल टू अल्फा लेते हैं एक्स इज इक्वल टू अल्फा अल्फा क्या है रूट्स है इसे टू बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो सच दैट ए डज नॉट इक्वल टू जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज इन अदर वर्ड द वैल्यू ऑफ ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू सी इज जीरो, यदि इसका वैल्यू जीरो आ जाता है तो कह देंगे एक्स इज इक्वल टू अल्फा इसका रूट्स है, अगर वैल्यू जीरो नहीं आता है तो हम लोग कह देंगे एक्स इज इक्वल जो अल्फा इसका रूट्स नहीं है। जैसे हम क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल वहां भी हम लोग देखे थे
में वैल्यू पुट करके अगर जो मेरा रिमाइंडर जीरो आ जाता था तो कह देते थे इसका है, नहीं आता था कह देते थे नहीं है। जैसे मान लेते एक्स इज इक्वल टू 3/2 है, इफ क्वेश्चन है मेरा इफ एक्स इज इक्वल टू 3/2 और कहेगा कोई इक्वालिटी की इक्वेशन है 4x² - 12x + 9 = 0 कहेगा x इज इक्वल टू जो 3/2 है, x इज इक्वल टू 3/2 क्या है तो ये अल्फा के जगह पर 3/2 है, यानी कि 3/2 इसका रूट है, तो कहेंगे इसका यह रूट है या नहीं, हम तो x इज इक्वल टू 3/2 दे दिया, कहेंगे चेक करना है इसका रूट है कि नहीं है। तो अगर x के जगह पर इस वैल्यू को पुट करने पर इसका जो वैल्यू होगा वह अगर जीरो आ जाता है तो रूट है, नहीं आता है तो रूट नहीं है। तो देख लीजिए 4 × 3/2 का इसको सॉल्व करेंगे तो यही ना होगा 4 × 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 12 × 3/2 + 9 = 0। अब देखिए 4 × 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 2 × 6 = 12 या 6 × 3 = 18 हो जाएगा +9, 4 से 4 खत्म। अब देखिए प्लस या यही ना बचा 9 - 18 + 9 = 0 है, तो देख रहे हैं 9 + 9 = 18 -18 = 0 18 में से 18 माइनस करेंगे तो 0 = 0 आ गया कि नहीं आ गया, तो एल एच एस आर एच दोनों इक्वल आ गया, यानी कि x इज इक्वल टू 3/2 इसका रूट है। तो वही रूट या जीरो या पोल में बताए हैं जो x इज इक्वल टू जो अल्फा लेंगे वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, या अदर वर्ड्स में वैल्यू ऑफ द x x के जगह पे अल्फा डाल x के जगह पे अल्फा है इसलिए a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c = 0 या इज 0 वह है, इसलिए यह रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप देख लिए x इज इक्वल टू क्वेश्चन ही बनाकर दे दिए जो x इज इक्वल टू 3/2 है दिया हुआ है, तो आपको चेक करना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे तो x के जगह पर इस वैल्यू को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, अगर एल एच एस आर एच एस दोनों आपस में इक्वल आगे आता है रूट है, नहीं आता है तो यह रूट नहीं है। अब इसको आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे क्या है। टॉपिक था मेरा मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का बहुत सारे मेथड होते हैं। एक होता है, पहला होता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है फर्स्ट होता है फैक्टराइजेशन मेथड जिसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं, जो हम लोग क्लास 9 में पढ़े 8 में पढ़े मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो फैक्टराइजेशन मेथड है उसी को बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यानी कि जो फैक्टराइजेशन मेथड से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो वहां मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाता है यानी कि तोड़ा जाता है, जो क्लास 8 में भी पढ़े हम लोग और क्लास 9 में भी पढ़े। सेकेंड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जिसको हम लोग सिर्फ 10th क्लास में हमको पढ़ना, पीछे हम इसको कहीं नहीं देखे हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता क्या है। थर्ड मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का, यह दो है, एक तो ये तो पिछले क्लास का है, प्रीवियस क्लास का है, क्लास 9th का, 8 में भी पढ़ना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन मेथड, ये दोनों हमको क्लास 10th में पढ़ना है, मगर हम तीनों को पढ़े क्योंकि आपका चैप्टर जो फैक्टराइजेशन मेथड से बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं हो पाते, उसके लिए हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। ये तो अभी बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ते हैं। अब देखिए क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला है, यही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, सॉरी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, यह भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th का। तो हम इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, जो मेरा क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड में हम देख रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वही है फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें हम देख रहे हैं एक बात याद कर लीजिएगा, जो रूट्स की संख्या होते हैं, जैसे कहीं क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव पूछ देता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स होते हैं, हाउ मेनी रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ मेनी रूट्स या जीरो या पोल्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स होते हैं, तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, दिमाग लगाएंगे भाई क्या होता है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, वो टाइम लगेगा। बल्कि याद कर लीजिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका देख रहे हैं डिग्री टू है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री टू है, इसलिए इसमें रूट्स की जो संख्या होगी, नंबर ऑफ रूट्स होंगे वो अभी आपका मैक्सिमम टू होगा, मिनिमम आपका एक भी हो सकता है, बल्कि मैक्सिमम हाउ मेनी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स की संख्या कितना होता है, तो टू होता है, वन नहीं लिख दीजिएगा। कहीं कहीं कोई क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपका जो रूट्स होते हैं वो वन भी होते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए एक्स माइनस थ्री इनका होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, कोई क्वेश्चन है, अब बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप देख के बताइए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखने में तो नहीं लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि एक्स पर स्क्वायर नहीं है, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर है, जो कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बल्कि अगर हम बताए हम पीछे क्वेश्चन में जो कोई अभी आगे पढ़ेंगे पीछे ही बताए हैं, जो उसको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। इस बात को आपको समझ गए होंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नंबर ऑफ जो रूट्स होते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स वह टू होता है, क्योंकि उसका डिग्री टू होता है, इसलिए रूट्स की भी संख्या नंबर ऑफ रूट्स भी आपका टू होंगे, इसलिए बल्कि मिनिमम रूट्स वन भी हो सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जैसे एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो है, चेक करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो आप जानते हैं एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले इसमें रूट्स की संख्या कितनी होगी, तो एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो स्क्वायर इक्वल के दूसरे साइड में जाकर रूट में कन्वर्ट होते हैं और जीरो का स्क्वायर रूट जीरो ही होगा, ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया थ्री, जो तो देख लीजिए एक्स का एक ही वैल्यू आ रहा है थ्री, बल्कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, पहले क्वाड्रेटिक एक वन रूट आया कि नहीं, एक रूट इसमें दो रूट था, यह अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, पहले वो देखिए ना एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो नाइन, थ्री का स्क्वायर नाइन माइनस टू है, तो टू इंटू थ्री इंटू एक्स यानी कि सिक्स एक्स इज इक्वल टू जीरो, यह भी क्वाड्रेटिक सिर्फ प्लेस है, इसको प्लेस को आप चेंज कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो, सिर्फ प्लेस को चेंज किया, माइनस सिक्स एक्स था माइनस सिक्स एक्स जीरो गया, प्लस नाइन है प्लस नाइन ही लिखे, तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसका पावर टू है, डिग्री टू है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए इसका अगर रूट्स निकालते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, तो फर्स्ट एक्स स्क्वायर वाले टर्म और जो कांस्टेंट टर्म होता है लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा समझ लीजिए, फर्स्ट टर्म और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर में नाइन से मल्टी प्लस में है दोनों नंबर, तो एक्स स्क्वायर में नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा नाइन एक्स स्क्वायर, फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद इस नंबर को ऐसे दो पार्ट में तोड़ा जाता है, ऐसे दो पार्ट में बांटा जाता है, जो ऐड या सब्ट्रैक्ट, ऐड और सब्ट्रैक्ट, ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए, करने के बाद वह तुम्हारा मिडिल टर्म आ जाएगा। बाबू काफी आसान है, थोड़ा सा समझ जाइएगा तो यह समझ में आ जाएगा, मिडिल टर्म माइनस सिक्स एक्स आ जाए, इसको ऐसे दो पार्ट में देखिए, मान लेते हैं दो पार्ट में तोड़ना, ठीक है, यहां भी थ्री एक्स लिख दीजिए और यहां भी थ्री एक्स लिख दीजिए, कि दोनों को ऐड करेंगे तो थ्री एक्स सिक्स एक्स होगा कि नहीं होगा, बल्कि हमको लाना है माइनस सिक्स एक्स, हमको लाना है माइनस सिक्स एक्स, प्लस सिक्स एक्स लाना रहता तो दोनों को ऐड कर लेते प्लस सिक्स एक्स हो जाता। देखिए एक चीज बताया, सोचिएगा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई किए और उसको ऐसे दो पार्ट में तोड़ते हैं जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद तुम्हारा मिडिल टर्म आ जाए, और उसी नंबर को दो दो तो नंबर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद फिर यही नंबर है नाइन एक्स स्क्वायर,
नाइन एक्स स्क्वायर आ जाए, यानी कि जो नंबर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट था वही प्रोडक्ट फिर से आ जाए। देखिए थ्री एक्स और थ्री एक्स को मल्टीप्लाई करें तो नाइन एक्स स्क्वायर आ जा रहा है, बल्कि फिर दोनों को ऐड करेंगे तो सिक्स एक्स आएगा, बल्कि हमको लाना है माइनस सिक्स एक्स, तो यहाँ दोनों में माइनस लगा दीजिए, एक में लगाएंगे तब तो एक कट जाएगा, तो माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस सिक्स एक्स हो गया, तो यहाँ तो माइनस सिक्स एक्स। अब फिर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लाई करने पे, तो थ्री थ्री जा नाइन एक्स स्क्वायर, फिर वही आ गया। तो देखिए यही ना नंबर था, क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो, यही ना था एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो। तो अब इसको आप एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ ही आपका ऊपर वाला का है एक्स इज इक्वल टू थ्री का, तो एक्स स्क्वायर और माइनस सिक्स एक्स यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो। तो दोनों में देखिए फोर फोर टर्म हो गया, दो दो का पेयर मिलाकर कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर और माइनस थ्री एक्स है, दोनों में देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का मतलब होता है इसमें दो तो एक्स स्क्वायर है और थ्री एक्स में सिर्फ एक एक्स है, तो एक्स स्क्वायर में दो तो एक्स है और इसमें एक ही एक्स है, तो एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर निकल गया तो दो में से एक बाहर निकल गया तो एक एक्स तो बचेगा और माइनस तो माइनस देख रहे हैं थ्री एक्स है, तो थ्री एक्स में से एक्स को हम लोग बाहर निकाल चुके हैं तो थ्री, इसमें देखिए फिर माइनस है तो माइनस, इस दोनों में क्या कॉमन है, तो इसमें देख रहे हैं थ्री एक्स है प्लस नाइन है तो इसमें एक्स है बल्कि इसमें एक्स नहीं है, तो एक्स तो कॉमन होगा नहीं। अब देखिए थ्री है और नाइन है तो नाइन भी तो थ्री से डिविजिबल होता है, तो दोनों में थ्री छुपा हुआ है कि नहीं, थ्री थ्री या नाइन होता है, तो थ्री कॉमन ले लीजिए, यह बचेगा एक्स और माइनस प्लस माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब देख रहे हैं दोनों है, अब यह एक टर्म बचा, एक टर्म ही हो गया, तो दोनों है एक्स माइनस थ्री, तो एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब दोनों को सॉल्व करें, इसलिए एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू थ्री, फिर याद भी करेंगे तो एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, बल्कि एक्स इज इक्वल टू थ्री। देख रहे हैं क्या, जो यहाँ पर एक ही रूट थ्री आ गया, थ्री इसका यहाँ भी सॉल्व किया था इसी क्वेश्चन को, इसको हम चाहे इसको ऐसे नहीं सॉल्व करके, इसे तो आपको समझ गए, इसको चाहे ऐसे नहीं सॉल्व करके, हमें एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री है, एक्स इंटू एक्स रहता है तो हम लिख देते एक्स स्क्वायर, कहीं पे एक्स इंटू एक्स रहता है तो हम लिख देते हैं कि नहीं एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करके, वैसे एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री है तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब इसके बाद इस टाइप से हम सॉल्व कर लेंगे, जैसे एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो को सॉल्व किए थे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, पीछे भी अलग टाइप से बताए थे, एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो एक्स इक्वल टू थ्री निकलेगा, फिर एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो करेंगे दो दो टर्म है फिर भी निकलेगा, मगर एक ही रूट निकला कि नहीं निकला, बल्कि हम बताया है कि नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ जो रूट्स होते हैं टू होते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स दो होते हैं बल्कि वन भी हो सकता है। इसके बाद इसको आप लोग नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लेते हैं एक्स का कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो वन तो है ना, तो बी के जगह पे वन है, तो यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको सॉल्व करना है फैक्टर बाय फैक्टराइजेशन मेथड या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन। अभी आपको रूल क्या बताया, तो फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा सिक्स टू या ट्वेल्व, प्लस माइनस प्लस सिक्स के साथ प्लस है और टू में माइनस है, किसी नंबर से पहले जो साइन होता है वही उस नंबर का साइन होता है, तो सिक्स टू या ट्वेल्व तो माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे दो पार्ट में आप लोग तोड़िए, ये ऐड या सबट्रैक्ट करने के बाद ऐसे दो पार्ट में तोड़िए, जो ऐड या सबट्रैक्ट करने के बाद माइनस फोर एक्स आ जाए, क्या आ जाए सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू था, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो माइनस टू एक्स स्क्वायर है। अब इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़िए जो सॉल्व करने के बाद आपका माइनस एक्स आ गया, माइनस एक्स है तो अब देखिए इसको हम फैक्टर करते तो यह फोर थ्री में टूट जाएगा, डबल एक्स है तो एक्स इसमें लगा दीजिए, एक्स एक्स इसमें लगा दीजिए, तो फोर एक्स और थ्री एक्स में तो टूट गया, दोनों
ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद माइनस सेक्शन आ जाए, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 12 एक्स स्क्वायर आ जाए, यही टर्म आना चाहिए जो प्रोडक्ट था मेरा। तो देख रहे दोनों को मल्टीप्लाई कर प्लस 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 है, 4 3 12 एक्स स्क्वायर तो आ गया बल्कि माइनस नहीं आया, तो हो सकता है कि माइनस हम लगा सकते हैं। तो या तो इसमें माइनस लगाइए, नहीं तो इसमें माइनस लगाइए, 4x में माइनस होगा नहीं तो 3x में माइनस होगा। अब ये चीज देखिएगा, यहाँ पर आपको माइनस x लाना है, तो माइनस x लाना है तो जो नंबर बड़ा होगा उसी में ना माइनस लगाएंगे, तब ना सॉल्व करने के बाद माइनस प्लस माइनस होता है, तो 4x माइनस 4x प्लस 3x आएगा, तो माइनस प्लस माइनस सॉल्व करने के बाद माइनस x होगा। तो यहाँ पर बड़े वाले नंबर में माइनस लगा देंगे और इसमें प्लस लगा देंगे, और यही चीज को यहाँ पर लिख देंगे एक्स जगह पे, तो 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x, इधर x जगह पे इसको लिख दिए, अब माइनस 2 है तो माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए कॉमन कुछ होगा, तो कॉमन क्या है तो देख रहे 6 है या 4 है, दो इसमें डबल एक्स स्क्वायर है, ये डबल एक्स है, इसमें सिंगल एक्स है, तो क्या करेंगे डबल एक्स है तो एक तो आपका एक्स कॉमन है, ठीक है, और ये दोनों में क्या कॉमन है, 6 और 4 में, तो 6 और 4 में देख रहे 6 2 से भी डिविजिबल है, 2 से भी 6 डिविजिबल है और 4 भी 2 से डिविजिबल है, इसलिए 2 कॉमन होगा, तो 2x कॉमन हो गया, तो इसमें 2 3 6 तो 3 और 1x कॉमन है तो 1x बचा, माइनस 2 2 4 तो 2, एक्स को कॉमन ले चुके हैं, 3x-2 हुआ, प्लस है प्लस, इस दोनों में कुछ भी कॉमन है, इसमें 3 है तो 3 से, तो इसमें ना कोई नंबर नहीं है, 2 है तो डिविजिबल वाला नंबर नहीं है, तो 3 नंबर में तो कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि 3 का टेबल में 2 आएगा नहीं आएगा, तो आएगा एक ही ऐसा टेबल है जिसमें सब कट जाता है, 1 से टोटल नंबर डिविजिबल होते हैं, तो 3 है, 3x-2 है, तो कुछ भी फैक्टर इसमें x है इसमें नहीं है, तो कुछ भी आपका कॉमन नहीं है तो आप 1 तो कुछ नहीं है तो 1 है ना, 1 कॉमन ले लेंगे तो इसमें बच जाएगा 3x, अब माइनस है तो -2 = 0। अब देखिए देख रहे हैं दो तो टर्म, यह टोटल एगो टर्म हो गया, ये टोटल एगो टर्म हो गया, ये दो तो टर्म है, तो इसमें देख रहे हैं दोनों में 3x-2 है तो 3x-2 फिर, तो इसमें से 3x-2 को कॉमन नहीं है तो 2x बचा, तो 2x प्लस है तो +1 = 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3x-2 = 0 होगा, तो 3x = -, के दूसरे साइड में जाता है तो प्लस में कन्वर्ट होता है, तो 3x = 2, 2x = आपका 2/3 है, फिर इसको सॉल्व करेंगे 2x + 1 = 0, यह 2x है तो 2x = हो जाएगा -1, x = हो जाएगा -1/2, यह जो x = 2/3 और x = -1/2 है, यही दो थ्रो रूट्स है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन था इसका दो थ्रो रूट्स निकला कि नहीं, दो से अधिक रूट्स नहीं निकलते हैं, तो मैक्सिमम कितने रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, दो ही होते हैं, तो इसको आप समझ गए। ऐसा ही एक और क्वेश्चन यहाँ है, 6x² + 40 - 31x, इसमें क्या देख रहे हैं, यह दोनों सॉल्व होने वाला नहीं, सॉरी सॉल्व होने वाला करें, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने से नहीं लगता, तो इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में पहले कन्वर्ट करें, तो कैसे करेंगे, 6x² 31x इधर था, ax² + bx + c के फॉर्म में रहता है ना, तो ax² + 31x दूसरे साइड में है, तो इसको इधर खींच लेंगे तो माइनस प्लस इक्वल के दूसरे साइड में आकर माइनस में कन्वर्ट होता है, तो -31x अब +40 है तो +40 = 0। अब यह क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, यही ना करते हैं, तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 = 24, ये हो जाएगा 240x² फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 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 होता है तो +240x². अब इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़, तो ये थोड़ा बड़ा नंबर है तो तोड़ना है, इसके लिए आप क्या कीजिए 240 को फैक्टर कर लीजिएगा, 2 से 12 2 से 6 2 से 13 2 से 15 3 से 5 फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर करने तो आप लोग आता होगा, प्राइम नंबर से करते हैं 3 5 15। अब इसको ऐसे जो फैक्टर है
आपको इसको ऐसे दो पार्ट में बनाना है। तो फैक्टर आपका है 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 4, यही ना फैक्टर है। तो 2 × 2 = 4 हमको, और ये दोनों को सॉल्व करने के बाद कितना आना चाहिए 31x, यही ना आना चाहिए 31x। तो 2 × 2 = 4 × 8 × 8 × 2 = 16 आ गया, और 5 × 2 = 15, दोनों को जब ऐड कर लेंगे तो 16 और 15 कितना होगा 31 होगा कि नहीं होगा। तो इसको किस कैसे दो पार्ट में तोड़ेंगे, एक हो जाएगा 16x और एक हो जाएगा 15x, कैसे डबल है, ax इसमें लिख देते हैं, ax इसमें लिख देते हैं। तो यार 16x और 15 अभी दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 240 आएगा, मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए 15 × 10 = 150 और 6 बचेगा 15 × 6 = 90, तो 115 में 50 में 90 ऐड करेंगे तो 240 होगा, करे हो मल्टीप्लाई करने के बाद इतना ही है। अब देखिए, अब हमको लाना है -31x, तो -31x लाने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें अगर ए को हम माइनस दे देते हैं तब तो सॉल्व करेंगे तो -x हो जाएगा, या इसमें माइनस देते हैं सॉल्व करेंगे तो x हो जाएगा, बल्कि हमको लाना है -31x, यानी कि इसको ऐड करना होगा। ऐड करना है तो अगर प्लस के साइन के साथ अगर ऐड करते हैं तो यह +31x आएगा, बल्कि हमको लाना है -31x। तो यहाँ भी माइनस लगा दिए, यहाँ भी माइनस लगा दिया, आप क्लास 8 और 9 दोनों में पढ़े हैं इसको, इसलिए ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं, तो 6x² - 16x - 15x + 40 = 0, ठीक है। तो इसके बाद कॉमन देखिए, कुछ कॉमन है कि नहीं है, कॉमन इसमें यह भी 2 से डिविजिबल है, भी 2 6x² - 16x - 15x + 40 है, ये दोनों में 4 टर्म है, इसलिए दोनों में कॉमन देखेंगे, ये दोनों में क्या कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो 2 है, तो 2 और x² इसमें है, इसमें डबल x है, इसमें सिंगल x है, इसलिए x भी कॉमन हो जाएगा, 2 × 3 = 3x - 2 × 16 = 8, ये दोनों में क्या कॉमन है, तो 5 कॉमन है, 5 × 15 = 3x + −+−8 = 0। अब देखिए दो दो टर्म हुआ है, वो 3x - 2x × 3x - 8 और एक −5 × 3x - 8, दोनों दो टर्म हुआ, दोनों में कॉमन है 3x - 8 3x - 8 कॉमन ले दीजिए, इसमें बचा 2x - 5 = 0, दो टर्म बचा दोनों के इक्वल में 0 है, इसलिए यहाँ 3x - 8 = 0, तो x = कितना होगा -8 है, तो इक्वल के दूसरे साइड में जाकर प्लस में कन्वर्ट हुआ, मल्टीप्लाई में 2x - 5 = 0 है, तो x = कितना होगा -5 के दूसरे साइड में जाकर 5 में कन्वर्ट हुआ, तो +5 हुआ, और मल्टीप्लाई में x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, तो बाद में जाकर डिवाइड में कन्वर्ट हुआ, इक्वल के दूसरे साइड। यह दोनों जो x = 8/3 और x = 5/2 है, यह दोनों आपका रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है तो रूट्स आपका हो गया x, एक हो गया 8/3 और दूसरा हो गया 5/2। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4√3x² + 5x - 2√3 = 0, इसको सॉल्व करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, इसको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, जो हम लोग पढ़ा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फैक्टराइजेशन मेथड, उससे हमको सॉल्व करना है। तो उसमें हम आपको पिछले क्वेश्चन में भी रूल बताए थे, जो फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट नंबर से x² वाला जो टर्म है उसको और जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 4√3x² है और इसको -2√3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 4√2 = 8 - 8, और √3 में √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो √9 होता है और 9 का स्क्वायर रूट मेरा 3 होता है, या सेम नंबर वाले रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ वही नंबर आ जाता है, तो 8 × 3 यानी कि -24x², इसका प्रोडक्ट कितना है फर्स्ट और लास्ट नंबर का प्रोडक्ट, तो -24x². अब इस -24x² को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो दो पार्ट में थोड़ा थोड़ा सा बड़ा नंबर है,
इसको फैक्टर कर लीजिए 24 को 2, 12, 2, 6, 2, 3, ठीक है फैक्टर हो गया। अब इस फैक्टर को ऐसे दो पार्ट में बांटिए जो ऐड या सबट्रैक्ट करने के बाद आपका 5x आए। इसे वाले जो क्वेश्चन है उसमें हम बताए थे फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई और उस मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट है उसको ऐसे दो पार्ट में बांटिए जो ऐड या सबट्रैक्ट करने के बाद मेरा मिडिल टर्म आ जाए 5x, इसलिए इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बोला जाता है। तो देखिए 2 2 4 और 3 2 6, 6 4 को प्लस माइनस कुछ भी करेंगे तो आपका 5x नहीं होगा। 2 2 4 2 8, ठीक है, और 3 8 में से अगर 3 को माइनस करते हैं तो आपका 5x आ जाएगा। तो इस दो पार्ट में कौन होगा, तो एक 8x और एक 3x, बल्कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी आपका जो प्रोडक्ट था वह आ जाना चाहिए 8 3 24, एक्स इंटू x² तो 24x² है, बल्कि यहाँ पर हमको -24x² लाना है, तो माइनस तो कहीं है नहीं। अब देखिए माइनस हम किसमें देंगे, तो आपको सोचना है कि प्लस 5x लाना है, तो 8x वाले जो लार्जेस्ट नंबर होगा उसमें प्लस देंगे, जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसमें माइनस देंगे। देखिए प्लस 8x माइनस 3x दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं प्लस माइनस माइनस तो -24x² आ जाएगा। फिर अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 8x में से 3 गया तो प्लस 5x स्क्वायर, दो पार्ट में तोड़ दिए 8 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x, 5x के जगह पे 8x माइनस 3x लिख दिए -2√3 = 0। यह सब आपका फैक्टराइजेशन मेथड। अभी देखिए दो टर्म फोर्थ टर्म हो गया, अब फोर्थ टर्म में दो दो टर्म को अलग अलग हम लोग क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो 4√3x² प्लस 8x इसमें क्या कॉमन आएगा, फोर्थ से देख रहे हैं ये भी 4√3 भी कटेगा फोर्थ से, और इसमें भी है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हम लोग एससीएफ जो पहले 5, 6, 7 में हम लोग एससीएफ निकालना पड़ते थे वही है, दोनों में कॉमन क्या है तो फोर है, ये फोर कॉमन है, इसमें डबल एक्स है क्योंकि एक्स स्क्वायर है एक्स इंटू एक्स, और यहाँ पर आपके सिंगल एक्स है तो एक्स भी कॉमन आ जाएगा, तो इसमें बच जाएगा 4 से 4 खत्म, एक सिर्फ √3 और डबल एक्स है तो एक एक्स को कॉमन ले चुके हैं, तो एक एक्स प्लस 4 2 8 2x कॉमन है तो 3√3x + 2 हो गए। फिर यहाँ पर कुछ भी तो कॉमन, देखिए यहाँ पर देखने से लग रहा है कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि यह 3 है यहाँ √3 है, तो कॉमन तो देखने तो नहीं लग रहा, बल्कि 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं, ठीक है, तो √3 × √3 तो कॉमन आपका 1√3 आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है, तो 3 में माइनस है तो माइनस 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं, तो √3 कॉमन है कि नहीं दोनों में, क्योंकि इसमें भी √3 है और इसमें भी √3 है, ये तो दिख रहा है हमको ये √3 है, बल्कि इसमें 3 में √3 नहीं दिख रहा है, इस √3 × √3 इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ √3 आपका कॉमन हो गया, तो इसमें क्या बचा है, तो 1√3 कॉमन ले लिए, 1√3 बचा कि नहीं, तो यह हो जाएगा √3 और एक्स माइनस माइनस प्लस इसमें से √3 को हम बाहर निकाल चुके हैं तो क्या बचा है 2 = 0। अब देखिए यह पूरा एक टर्म हुआ, यह पूरा एक टर्म हुआ, दो टर्म है, दोनों में क्या है क्या कॉमन है, तो √3x + 2 दोनों में है, इसलिए इसको कॉमन ले लीजिए √3x + 2, तो इसमें से √3x + 2 इस टर्म से निकाल लिए तो बचा क्या 4x, तो 4x माइनस है तो माइनस, इसमें क्या बचा तो √3 = 0। ये आपको समझाने के लिए लाइन दिए थे। अब देखिए यह दोनों आपका 0 के बराबर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं √3x + 2 = 0, तो √3x = +2 के दूसरे साइड में जाकर -2 में कन्वर्ट हुआ तो x = क्या होगा -2/√3, यह आपका एक रूट निकला। दूसरा 4x - √3 = 0, क्योंकि दोनों तो 0 के बराबर है इसलिए इसको भी 0 के बराबर कर दिए, तो 4x = हो गया √3, तो x = आ गया कितना माइनस का तो प्लस में कन्वर्ट हुआ है √3/4। यह आपका क्वेश्चन है, रूट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा प्रॉब्लम होती है रूट वाले क्वेश्चन में, बल्कि आप लोग इसको समझ चुके होंगे, अब इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 बाई एक्स प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 बाई एक्स प्लस 1। यह आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग का काम है कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व हम लोग कैसे करते हैं, या तो आप इसी को सॉल्व कर लीजिए बाई वन लिखकर सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो जो वेरिएबल वाले टर्म है इसको एक साइड ले आइए। तो यह 14 बाई एक्स प्लस 3 प्लस में 5 बाई एक्स प्लस 1 है, इधर आके 5 बाई माइनस 5 बाई एक्स प्लस 1 हो गया, ठीक है। इधर 1 आपका निगेटिव है, इक्वल टू दूसरे साइड में जाकर पॉजिटिव हो गया। एक्स वाले टर्म को एक साइड आ गई, वेरिएबल को एक साइड, और जो कॉन्स्टेंट वाला टर्म था उसको हम लोग एक साइड ले गए। अब इसको सॉल्व करते हैं, देख रहे दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम तो निकलेगा नहीं, तो क्या होगा एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1। जब एलसीएम नहीं निकलता है तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1। अब देखिए जो एलसीएम निकले उसमें डिनोमिनेटर से हम लोग डिवाइड करते हैं, तो एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या एक्स प्लस 1। तो यहाँ हो जाएगा 14 इंटू एक्स प्लस 1, माइनस है तो माइनस, फिर 5 इंटू एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 खत्म, तो बचा क्या 5 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 1। अब ये इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, तो 14 से x की दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x प्लस 14 माइनस माइनस 5 से x को करेंगे तो माइनस 5x, माइनस 5 से प्लस 3 को मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस माइनस, तो 5 3 15 तो माइनस 15 भाई। इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए फर्स्ट नंबर से दोनों को, फिर सेकंड नंबर से दोनों को, तो x x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो x से पहले x को करेंगे तो x स्क्वायर, फिर x को 1 को करेंगे तो x इंटू 1 x प्लस 3 इंटू x 3x प्लस 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 3 इंटू 1 3 इज इक्वल टू 1। अब इसको फिर सॉल्व करेंगे तो देख रहे हैं जिसमें वेरिएबल वाले दो टर्म है, कॉन्स्टेंट वाले दो टर्म है, इसमें एक्स स्क्वायर वाला एक ही टर्म है और एक्स वाला दो टर्म, इसको सॉल्व कर देते हैं तो 14x माइनस 5x कितना होगा 9x। 14 प्लस माइनस माइनस होता है तो 14x में से 5x को माइनस करेंगे तो 9x होगा, फिर प्लस माइनस माइनस तो 14 में से माइनस 15 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 1 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ नीचे देखिए एक्स स्क्वायर और 3x प्लस एक्स 4x, 3 गो एक्स है, इसमें एक गो एक्स को ऐड करेंगे तो कितना होगा, एक्स वाला टर्म दोनों है तो 3x में एक 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 एक्स ऐड करेंगे तो 3 1 4x हो जाएगा प्लस सॉरी प्लस 3 इज इक्वल टू 1। अब देखिए फिर इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, बाई में कुछ नहीं है तो 1 है, अब इसको सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 9x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किए इतना हो गया, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आप चाहें तो ऐसे नहीं करके आप नीचे वाले इससे ही पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि पॉजिटिव लाना है एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 3 इज इक्वल टू, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x माइनस 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वह नंबर ही होता है, इसलिए उसको लिख दिए। अब आगे देखिए आप, अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में नहीं है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में लाना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इधर से 9x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 9x, और फिर माइनस 1 है तो इधर आकर प्लस 1 इज इक्वल टू में 0 हो गया। अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, फिर इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व होने वाला टर्म है तो एक्स स्क्वायर वाला एक ही टर्म है तो एक्स स्क्वायर ही रह गया, प्लस माइनस एक्स वाला डबल टर्म है 4x और एक 9x, या प्लस में माइनस में तो प्लस माइनस माइनस होता है तो 4x में से 5x माइनस नहीं होगा तो 9x में तो 5 करेंगे, जो नंबर बड़ा उसका साइन, यह हो जाएगा माइनस 5x और 3 प्लस 1 4 इज इक्वल टू 0। यह आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है।
अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर देखिए, इस सॉल्व करने का फैक्टराइजेशन मेथड में आपको बताया थे तो सॉल्व कैसे होता है। एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर एक्स स्क्वायर आएगा, बल्कि आपको लाना है माइनस फाइव एक्स। देखिए फोर एक्स स्क्वायर, यहाँ थोड़ा समझ लीजिए, फोर एक्स स्क्वायर तो ऐसे दो पार्ट में बाकी है, ये एड या सबट्रैक्ट करने के बाद आपका माइनस फाइव एक्स आएगा, तो फोर एक्स स्क्वायर। एक तो आपका फोर एक्स ही जाएगा और एक एक्स का काम हो गया, एक एक्स बचा हुआ है, फोर एक्स में एक एक्स ऐड करेंगे तो फाइव एक्स आएगा, बल्कि आपको माइनस फाइव एक्स लाना है, इसलिए दोनों को निगेटिव कर लीजिए, माइनस फोर एक्स माइनस फाइव एक्स, माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए माइनस फाइव एक्स, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो सीधे सॉल्व करेंगे तो प्लस फोर एक्स इंटू एक्स एक्स फोर एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस फोर एक्स माइनस एक्स में टू का, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया है। तो अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तो इसमें डबल एक्स है, इसमें एक सिंगल एक्स, एक्स कॉमन ले लिया तो इसमें एक एक्स बचा माइनस फोर, फिर इसमें कुछ कॉमन नहीं, अगर कुछ कॉमन नहीं हो तो वन कॉमन होता है, तो माइनस एक्स प्लस माइनस 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 प्लस माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। अब चलिए देख रहे हैं, दो दो टर्न हुआ, प्रीवियस क्वेश्चन में बताए थे दोनों में x माइनस फोर है तो x माइनस फोर आपका कॉमन हो गया, तो इसमें क्या बचा x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद देखिए दोनों जीरो के बराबर है तो x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो तो x इज इक्वल टू कितना है फोर, फिर x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो तो x इज इक्वल टू वन। अब देखिए जो फोर और वन है यह दोनों क्या है, जीरो जब तक क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जीरो बोलिए रूट्स बोलिए या पोल बोलिए तीनों एक ही चीज है, तो जो यह x इज इक्वल टू फोर और x इज इक्वल टू वन यह रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आया फोर ए बी एक्स स्क्वायर माइनस नाइन ए स्क्वायर माइनस एट बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस सिक्स ए बी, यह भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम पावर टू है, तो एक्स स्क्वायर एक जगह पे पूरा टर्म है तो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी, माइनस दिए हैं बल्कि यह प्लस, इसमें प्लस आपका छुपा हुआ है, इसको अगर ले लेते हैं माइनस, तो यहाँ पर प्लस लिख देते हैं तो यह अगर माइनस कॉमन हो जाएगा तो यह आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यह आपका माइनस का साइन है, इससे कोई अंतर नहीं है, अभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वह प्लस हो या माइनस हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यह हमेशा आपको कोई यूनिक क्वेश्चन बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि बुक में कहीं भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो तो आप उसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ट्वेल्व ए बी स्क्वायर ए बी एक्स स्क्वायर माइनस यह भी एक यूनिक क्वेश्चन है जो आपको एनसीईआरटी में नहीं है, आर एस अगल आर डी शर्मा के सी सिन्हा में इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, उस बुक को भी आप इजी वे में बना सकते हैं। अब इसको देखिए कैसे बनता है, बहुत इजी है, यह देख रहे हैं थ्री टर्म वन टू थ्री, इसको आप चाहे तो फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, वैसे सॉल्व कीजिएगा फिर फैक्टर नहीं होगा तो काफी मगर दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं बने, काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, इजी वे में आप सॉल्व कीजिए। जैसे ट्वेल्व ए बी एक्स स्क्वायर है माइनस, इसको ब्रैकेट को तोड़ दीजिए तो माइनस नाइन ए स्क्वायर एक्स, एक्स दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो नाइन ए स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस एट बी स्क्वायर एक्स माइनस सिक्स ए बी, सिर्फ इसको तोड़ दिए थे कितना टर्म हो गया, फोर टर्म हो गया, जो आप लोग एट क्लास में पढ़े हैं, जब फोर टर्म वाला अगर कोई इक्वेशन हो तो उसको हम लोग फैक्टराइज कैसे करते हैं। आप देख रहे हैं फोर टर्म, पीछे भी अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया गया जब फोर टर्म निकाल देते उसके बाद कॉमन निकाल कर उसको सॉल्व कर देते थे, वही है, देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तो देख रहे ट्वेल्व बाई नाइन, ट्वेल्व और नाइन का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो ट्वेल्व वन टू थ्री फोर सिक्स और ट्वेल्व अपने आप से डिविजिबल है, फिर देख रहे हैं नाइन वन टू थ्री, यानी कि दोनों का हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर है
वह थ्री है। देखिए यहाँ पे थोड़ा समझिए, 12 है, 1, 2, 3, 4, 6 और 12 इसका फैक्टर होता है। 9 का जो फैक्टर है वह 1, 3 उसके बाद 9। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है? कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 है। इसलिए आप देख रहे हैं 3 से या दोनों डिविजिबल है, सबसे जो लार्जेस्ट नंबर हुआ 3 जिससे दोनों डिविजिबल है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 हो गया। आपको जो 6, 7, 11 में भी जाकर बता दिए कि एसपीएफ कैसे निकालते हैं, यहाँ तो समझिएगा एसपीएफ ये है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं हम लोग। तो यह 3 एक हो गया, दूसरा नंबर 12 और 9 में 3 हो गया कॉमन, फिर ए है इसमें भी, इसमें सिंगल ए है इसमें डबल ए है, एक ए भी कॉमन होगा, इसमें बी है इसमें बी नहीं है तो कॉमन नहीं होगा, इसमें एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर है तो डबल एक्स है, एक्स इंटू एक्स, यहाँ सिंगल एक्स है तो एक एक्स भी कॉमन है, तो इसमें क्या हो जाए 3, 4, 12, 4 एक ए है कॉमन है, बी है तो बी और एक एक्स भी होगा क्योंकि एक ही एक्स कॉमन ही है, तो 4bx माइनस 3, 3 जाना 9 तो 3 एक डबल ए है तो एक एक कॉमन है तो एक ए बचा, और देख रहे हैं क्या एक्स भी एक है तो एक एक्स कॉमन निकाल चुके हैं तो एक्स भी कॉमन है, तो 4bx माइनस 3a बचा, फिर प्लस है तो प्लस, इस दोनों में क्या कॉमन तो वही 2 कॉमन होगा, 2 से 8 भी डिविजिबल है और 2 से 6 भी डिविजिबल है, इसके बाद 3 होगा तो 3 से 6 तो डिविजिबल है बल्कि 8 डिविजिबल नहीं है, 4 है 4 से 8 डिविजिबल है बल्कि 6 डिविजिबल नहीं, तो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है 2 है, तो 2 कॉमन हो गया एक नंबर वाला में 2 8 और 6 में, फिर बी स्क्वायर है यहाँ एक बी है तो एक बी भी कॉमन हो गया, एक्स है इसमें इसमें एक्स नहीं है तो इतना ही कॉमन होगा, देखिए 2, 4 जाए 8 और 4 डबल बी में एक बी कॉमन है तो एक बी बचा, एक एक्स है तो 4bx माइनस, अब इसमें देखिए माइनस है तो माइनस प्लस माइनस माइनस होता है माइनस, 6ab है तो 2, 3 जा 6 तो 3 बी कॉमन है ए नहीं है कॉमन तो ए इक्वल टू 0। अब इसके बाद देखिए यह तो हम लोग कॉमन निकाल लिए, अब यह दो टर्म बचा, यह पूरा एक यह पूरा एक, दोनों टर्म में 4bx माइनस 3 है 3a है तो इसको कॉमन ले लीजिए 4bx माइनस 3a कॉमन हो गया, तो इसमें क्या बचा 3ax तो 3ax प्लस 2b इज इक्वल टू 0। अब देखिए यह दोनों 0 के बराबर है, इसे सभी क्वेश्चन में हम देखते आ रहे हैं कि दोनों 0 के बराबर है तो दोनों को 0 के बराबर लेकर हम लोग x को फाइंड कर लेते थे, तो 4bx माइनस 3a इज इक्वल टू 0 है फर्स्ट वाला, तो 4bx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3a, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 3a बाय 4b, यह भी आपका क्या होगा रूट्स निकल गया, फिर एक रूट्स ही हो गया दूसरा 3ax प्लस 2b इज इक्वल टू 0 है, तो 3ax इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2b, तो x इज इक्वल टू हो गया माइनस 2b बाय 3a, यह दो तो रूट्स निकला था, तो 3a बाय 4b एंड माइनस 2b बाय 3a आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 12 एबीएस पर, यह जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका यह रूट्स है, रूट्स कैसे है तो दोनों वैल्यू को अगर आपको कोई बोले चेक करके बताओ ये रूट्स कैसे है, तो दोनों वैल्यू को जब इसमें हम पुट करेंगे तो एक्स के जगह पे तो इसका वैल्यू आपका 0 के बराबर आ जाएगा, इसलिए दोनों क्या है रूट्स है, इसको आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफी यूनिक क्वेश्चन है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिए, काफी यूनिक क्वेश्चन है, यह आपका आरएस अग्रवाल एनसीईआरटी में मिलेगा, सॉरी आरएस अग्रवाल आरडी शर्मा में यह क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, यह भी क्वेश्चन है ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा इजी वे में समझ में आ जाएगा, थोड़ा एक यूनिक क्वेश्चन है थोड़ा डिफिकल्ट है। देखिए 1a+b+x इज इक्वल टू 1a+1b+1a, यह आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है बल्कि इसको फैक्टराइज कर लें, 1a+1b+1a इसको फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टराइज करेंगे कैसे, तो सबसे पहले हम इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में लाएंगे उसके बाद सॉल्व करते हैं, हो सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं आकर या चार फोर टू टर्म में डिवाइड हो जाए उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए थोड़ा
सॉल्यूशन 1 बाय ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 बाय ए, यह आपका क्वेश्चन था, प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय एक्स। सबसे पहले मैं कांस्टेंट वाला टर्म है, ए और बी वाला टर्म जो कांस्टेंट टर्म है, 1 बाय एक्स है, इसको इक्वल के दूसरे साइड में लीजिए लीजिए, क्योंकि यह आपका इसमें वेरिएबल भी है, इसको हम 1 बाय ए प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस में इधर आकर यह माइनस में कन्वर्ट हो गया, इक्वल टू 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी। इधर सिर्फ 1 बाय एक्स को खींच लीजिए इक्वल के दूसरे साइड में, तो बचा क्या 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शन का क्या है, सब्ट्रैक्ट है, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट है, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो एक्स इंटू एलसीएम तो निकलेगा नहीं, वेरिएबल है तो एलसीएम निकलेगा नहीं, डिफरेंट वेरिएबल है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स हो गया। इसके बाद देखिए इससे अगर इसको डिवाइड डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं तो ए प्लस बी प्लस एक्स तो कट जाएगा, सिर्फ बचेगा एक्स, तो एक्स इंटू 1 एक्स, यह 1 है आपका, फिर माइनस है तो माइनस एक्स एक्स कटा तो बचा ए प्लस बी प्लस एक्स, तो ए प्लस बी प्लस एक्स, ठीक है, इक्वल टू इसको भी सॉल्व कर लीजिए ए बी, तो यहां हो जाएगा बी प्लस ए, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट तोड़िए, तो एक्स माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स बाय एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू बी प्लस ए, बी प्लस ए लिखिए या ए प्लस बी लिखिए, दोनों बात सेम है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ कम्युलेटिव एडिशन है, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, या आप लोग थ्री क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ये ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है बी प्लस ए, यानी कि 3 में 4 को ऐड कीजिए या 4 में 3 को ऐड कीजिए, दोनों का रिजल्ट आपका कितना आएगा, सेम है, इसलिए यह कम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। उसके बाद देखिए जो ए बी है, ठीक है, बाई एलसीएम में ए बी है, डिनोमिनेटर में आपका ए बी है, इसलिए ए बी लिख दी। अब देखिए इसमें कुछ कटने वाला भी, एक्स से एक्स कट जाएगा, इक्वल की एक ही तरफ नंबर सेम हो साइन डिफरेंट हो तो वह कट जाते हैं, तो क्या बचा, माइनस ए माइनस बी, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा ए प्लस बी बाई, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यही ना होगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई ए बी, या आप हुआ ए प्लस बी बाई ए बी, सॉरी ए बी की जगह पे ए प्लस बी लिखा गया ए बी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इधर देख रहे हैं कि ए प्लस बी यहाँ भी है और ए प्लस बी यहाँ भी है, तो ऊपर ऊपर काट देते हैं हम लोग, नीचे नीचे भी कर जाता है, फिर या क्रॉस मल्टीप्लाई करते फिर कटवे करता, या ए प्लस बी से दोनों तरफ डिवाइड कर लीजिए, डिवाइडिंग बहुत सही है, बाई ए प्लस बी करेंगे फिर भी यह कटेगा, तो उतना नहीं ऊपर ऊपर काट दीजिए, तो क्या बचा, माइनस वन बाई, कुछ नहीं बचा तो माइनस वन है, तो माइनस वन बाई ए एक्स प्लस बी एक्स अब प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यह आ गया वन बाई ए बी, नहीं ना इधर भी कट चुका है तो कुछ नहीं है, तो वन बचा हुआ है, तो वन बाई ए बी, फिर यहाँ पर माइनस है और वन है तो माइनस वन बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहाँ से क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यह हो जाएगा, इससे पहले वन को कर लीजिए क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म है इसको लेफ्ट साइड में रखना सफिशियंट होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, वन से मल्टीप्लाई किया पूरे टर्म को तो वही टर्म रह जाएगा, क्योंकि वन से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा वही नंबर आएगा, फिर ए बी से माइनस वन होती है तो माइनस ए बी, अब इसको ए माइनस ए बी आपको तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म बनाना है, तो माइनस ए बी को हम इक्वल के लेफ्ट साइड में खींच लेंगे, इक्वल के
दूसरे तरफ इक्वल टू में जीरो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो इसको हम थोड़ा सजा देते हैं, अरेंज कर देते हैं थोड़ा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स यह है, सिर्फ अरेंज किए, माइनस ए बी है तो इधर आकर प्लस ए बी इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब देखिए यह फोर टर्म आप निकाल चुके हैं, तो जब फोर टर्म निकल गया तब आप क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व कर दीजिए। एक्स कॉमन है, ये दोनों में एक्स कॉमन है तो एक्स प्लस ए, फिर यहाँ पर देख रहे हैं जो दोनों में बी कॉमन है आपका, तो प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। फिर देखिए तो ये दो टर्म हुआ, ये तो हम पीछे ही पड़े हैं, एक्स प्लस ए दोनों में है तो एक्स प्लस ए को बाहर निकाल दिए तो बचा एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, दोनों जीरो के बराबर है, एक्स दोनों जीरो के इक्वल है तो एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, फिर एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। यह माइनस ए और माइनस बी आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका यह रूट्स है माइनस ए और माइनस बी। किस इक्वेशन है तो कौन से इक्वेशन का यह रूट्स है, तो वन बाई ए प्लस जो माइनस ए और माइनस बी है यह इस इक्वेशन का रूट्स है, तो वन बाई ए प्लस बी प्लस एक्स बाई वन बाई ए इज इक्वल टू वन बाई ए प्लस वन बाई बी प्लस वन बाई एक्स का यह रूट्स है। अगर इस वैल्यू को आप इस पे जाकर पुट कीजिएगा, एक्स का जो वैल्यू है माइनस ए और माइनस बी, एक बार एक्स का वैल्यू माइनस ए रखिए और एक बार एक्स का वैल्यू माइनस बी रखिए, दोनों केस में आपका रिजल्ट जो होगा जीरो ही होगा, एल एच एस और आर एच एस दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसको सॉल्व कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो